ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। एक ऐसा शख्स जिनकी तारीफ में कई बातें कही गई हैं। कई किस्से सचिन को लेके उनके साथी खिलाड़ियों ने भी बताई है। कई किस्से अभी तक सचिन के साथ ही कैद हैं जो लोगों तक सामने नहीं आए। आज हम आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जब सचिन तेंदुलकर ने खुद को रूम में बंद कर लिया था। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों क्रिकेट के भगवान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। यह किस्सा पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने सुनाया है। थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि 1998 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में मैच खेला जा रहा था। चेन्नई टेस्ट के लिए तेंदुलकर ने काफी मेहनत की थी, हालांकि वो पहली पारी में केवल 4 रन बना के ही आउट हो गए। उनके एक चौके लगाकर अगली गेंद पर मार्क टेलर के हाथों कैच हो जाने पर लक्ष्मण आगे बताते हैं कि सचिन अपनी इस पारी से इतना दुखी थे कि उन्होंने खुद को फिजियो के कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर लिया था। लक्ष्मण ने कहा, जब वो बाहर आए तब उनकी आंखें लाल थी। मैं समझ गया था कि सचिन काफ़ी नाराज हैं और वह इसलिए इतना भावुक हो गए हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 328 रन बनाकर 71 रनों की लीड ले ली थी। भारत ने दूसरी पारी में 418 रन बनाए, जिसमें सचिन के नाबाद 155 रनों की पारी शामिल थी। उन्होंने पहले पारी की पूरी कसर दूसरी पारी में ही पूरी कर दी थी और उन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। लक्ष्मण आगे बताते हैं कि दूसरी पारी में सचिन ने शानदार पारी खेली और शेन वॉर्न का डटकर सामना किया। वॉर्न क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सचिन मिड ऑफ और मिड ऑन पर बॉल को हिट करते जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने शतक लगाया। वॉर्न के साथ उनका ये मुकाबला सबसे बेस्ट था। आपको बता दें, शेन वॉर्न ने 12 टेस्ट मैचों में केवल 3 बार ही सचिन तेंदुलकर को आउट कर पाया, जबकि वनडे में एक दफा ही सचिन ने शेन वॉर्न को अपना विकेट दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।